अस्सलाम वालेकुम एंड बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। और आज का लेक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से कि एमसीवी एमसीएच और एमसीएचसी, जैसे कि हमें मालूम है कि इनको रेड सेल इंडिसेस कहा जाता है, लेकिन जैसे प्रीवियसली हमने एनीमिया को डिफाइन किया, फिर एनीमिया के तीन डिफरेंट टाइप्स पढ़े, और उसके बाद हमें ये आइडिया कैसे होगा कि एक सीबीसी रिपोर्ट के ऊपर हम कब कहेंगे कि एमसीवी जो है वो लो है, और एमसीवी अगर लो होता है तो उससे क्या मुराद होता है। तो बेसिकली जब भी हम सीबीसी रिपोर्ट उठा के देखते हैं और उसमें एनीमिया होता है, यानी कि हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उस वक्त हम तीन डिफरेंट चीजों को देखते हैं। एक कहते हैं एमसीवी, दूसरे को कहते हैं एमसीएच, और तीसरे को कहते हैं एमसीएचसी। तो जब भी एमसीवी अपने नॉर्मल लिमिट से कम होता है, मतलब यह है कि उसका एक नॉर्मल वैल्यू होती है और वो होती है 75 से 95 के रेंज में होती है फेमटोलीटर में। तो जब भी 75 से 95 तक ये है, इट्स मीन कि ये नॉर्मल सेल है, यानी सेल की जो साइज है, सेल का जो साइज है वो नॉर्मल होगा। लेकिन जब भी ये 75 से कम होगा, जैसे कि 60 पे आ गया, 50 पे आ गया, तो इट्स मीन कि सेल का साइज जो है वो कम हो चुका है। अब हम इसको कहेंगे माइक्रोसिटिक कहेंगे। और जब भी इसका सेल साइज जो है वो ज्यादा होगा, इट्स मीन कि एमसीवी उसकी ज्यादा होगी। तो इस तरह की सिचुएशन जब भी आती है, फिर साथ में हम एमसीएच भी देखते हैं और एमसीएचसी भी देखते हैं। ये सेल जो कार्पस्कुलर भी हम उसको कहते हैं, उसके अंदर हीमोग्लोबिन कितना रहता है, तो वो देते हैं हम पिकोग्राम के अंदर, और वो अगर कम है तो हम कहते हैं कि अब यहाँ पे सेल में हाइपोक्रोमिया है। और इसी तरह एमसीएचसी यानी मीन कार्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन, यानी जितनी सारी हीमोग्लोबिन कॉन्सेंट्रेशन है वो कितनी होती है, और ऑब्वियसली वो होती है हमारे पास परसेंटेज में। तो एमसीवी एमसीएच एमसीएचसी बड़े इंपॉर्टेंट रेड सेल इंडिसेस है जो हमें बताता है कि सेल साइज जो है ये बड़ा है, छोटा है, या किस तरह का है, यानी कि माइक्रोसिटिक, मैक्रोसिटिक और नॉर्मोसिटिक। एंड ऑन द बेसिस ऑफ दीज रेड सेल इंडिसेस वी कैन डिफरेंशिएट एनीमियाज इनटू देयर डिफरेंट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजी। और उसके बाद हम फिर स्लाइड देखते हैं और स्लाइड के साथ मैच करते हैं कि वाकई जो एमसीवी हमें सीबीसी रिपोर्ट में दे रही है सीबीसी मशीन, वो वाकई क्या ऐसी ही है या नहीं है। क्योंकि ऐसी सिचुएशंस आती है कि कभी कभार एमसीवी नॉर्मल रहती है, लेकिन जब हम मॉर्फोलॉजी देखते हैं तो वहां पे कुछ और होता है। तो इंशाल्लाह फिर एक अगले वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा कि ऐसी सिचुएशन जो है वो क्या होती है। अभी तक अगर किसी ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।